आज धनबाद जिला परिषद के सभागार में झारखंड विकास मोर्चा जिला कार्य समिति की बैठक जिला अध्यक्ष श्री ज्ञान रंजन सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पिछले लोकसभा चुनाव की समीक्षा तथा आगे के संगठनात्मक एवं आंदोलनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। कार्य समिति के उद्घाटन भाषण देते हुए जिला अध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में झाविमो को मिले असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है। झारखंड की जनता आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी को दिल्ली के राजनीति के बदले झारखंड की राजनीति में देखना चाहती है, इसलिए जनता की मूड को देखते हुए कार्यकर्ताओं को पार्टी के केंद्रीय कमेटी के निर्णय के अनुसार सभी सीट पर तैयारी शुरू करनी चाहिए। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के केंद्रीय महासचिव श्री रमेश राही ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में ऊपर में गठबंधन तो हुआ लेकिन नीचे कार्यकर्ता और जनता के बीच गठबंधन नहीं हो पाया, जिसका परिणाम हम लोगों के सामने है। केंद्रीय सचिव श्री सरोज सिंह ने कहा कि इतना विपरीत परिस्थिति के बावजूद धनबाद जिले के कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ डटे हैं, यह संगठन के लिए शुभ संकेत है। आज के जिला कार्य समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि 22 जून 2019 को जिले के लचर बिजली व्यवस्था को लेकर जीएम बिजली के कंबाइंड बिल्डिंग कार्यालय के समक्ष झाविमो युवा मोर्चा द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि महिला समूह ऋण को 50% सब्सिडी को पुनः बहाल करने तथा महिला समूह का राजनीतिकरण करने के विरोध में महिला मोर्चा के बैनर तले सभी प्रखंड मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना देकर महामहिम राज्यपाल के नाम इस आशय का ज्ञापन दिया जाएगा। संगठन में निष्क्रिय पदाधिकारी को पद मुक्त किया जाएगा तथा नए ऊर्जावान लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। महागठबंधन के वास्तविक स्थिति, इस पर आज चर्चा हुई और उसके कमी बेसी का आकलन किया गया। हमारा जिला कमेटी मानता है कि महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ने से जो JVM का अपना जो वोट बैंक है, JVM को लोग जिस रूप में देखना चाहते हैं उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए धनबाद जिले सहित झारखंड के सभी 81 सीटों पर झारखंड विकास मोर्चा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। हम अपने संगठन को फिर से एक बार मजबूत करेंगे। हम देखेंगे कि कहाँ हमारा कमी है। एक बात बहुत ही उत्साहवर्धक हम लोगों का रिपोर्ट में आज आया कि किसी भी कार्यकर्ता ने पार्टी लाइन से अलग हटकर कोई काम नहीं किया। पूछे नहीं, पार्टी बैठक में हम लोग यहाँ पर निर्णय लिए कि संगठन को एक बार फिर से हम लोग माने इसका क्या बोलते हैं ये करेंगे, सुदृढ़ीकरण करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो कुछ हेर फेर भी आवश्यकता अनुसार से करेंगे। दूसरा, हम सांगठनिक बैठक चाहे प्रखंड स्तर पर हो चाहे मोर्चा स्तर पर हो, हम सभी सांगठनिक बैठक करेंगे। एक महीने के अंदर हम सभी सांगठनिक बैठक करेंगे और इस बीच में जन समस्याओं को लेकर प्रखंड स्तर पर हम मैंने धरना और ये प्रदर्शन का कार्यक्रम भी हम आयोजित करेंगे।